वेलकम एक्सपीरियंस, पहल एकेडमी में आपका स्वागत है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में अगला लेक्चर लेके मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ। कल आपने देखा कि मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस में हमने सॉल्व करवाए थे, आज अपन देखेंगे अपना ज्योग्राफी। बहुत बड़ा पार्ट है इसका सिलेबस में, क्योंकि देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर इंडियन और फिर राजस्थान, तीनों सेक्शन से ज्योग्राफी के लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे अपन आज देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पार्ट, उसके भी अपन क्या करेंगे, इसके कम से कम 3 वीडियोस में कवर करेंगे पूरा सिलेबस, इसके 3 में, और बाकी राजस्थान ज्योग्राफी से कम 15 क्वेश्चन आते हैं। तो यहां से अपन कोशिश करेंगे 5 से 6 वीडियो लेक्चर्स आपके लिए लेके आए। सेम इसी पैटर्न में जो आपका राजस्थान आरएएस एग्जाम का प्री का सिलेबस है, उसके हर एक सेक्शन, हर एक सब्जेक्ट को कवर करने की पहल एकेडमी के द्वारा कोशिश की जाएगी, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चलो ज्योग्राफी का अपना आज का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेजिनोट रेखा किस देश के बीच स्थित है। तो जनरली आपको पता है प्री के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका पैटर्न क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, यू हैव टू चूज वन, एक आपको सिलेक्ट करना होता है। तो ये जो मेजिनोट लाइन है, तो ये पूछा है कि ये किन दो देशों के बीच में स्थित है। पहले नामीबिया और अंगोला, पहला ऑप्शन ये सही नहीं है, ठीक है। दूसरा है यूएसए और कनाडा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन फ्रांस और जर्मनी, और चौथा ऑप्शन जर्मनी और पोलैंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा पेपर में। अब आपको क्या करना है, देखो सिंपल सा एक रूल है, वहां पे 200 नंबर का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगर आप करते हो तो आपको लगभग 1.33 मार्क मिलते हैं, ओके। गलत करते हो तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 की। तो आप ध्यान रखना क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त कि अगर क्वेश्चन आ रहा है श्योर हो तब तो अटेम्प्ट करना ही है। कई बार क्या होता है अपन दो ऑप्शंस के बीच में फंस जाते हैं, जैसे मान लो फिर से मैं रिपीट करता हूं, दो ऑप्शन के बीच में फंस गए, तो मैं तो कहूंगा आप उसको भी अटेम्प्ट जरूर कीजिए। तो बकायदा चलो वापस इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो मेजिनोट रेखा है वह फ्रांस और जर्मनी के बीच में खींची गई एक रेखा है, काल्पनिक है, ऐसा नहीं है खींची गई है। तो चलो इसका इतिहास जान लेते हैं कि मेजिनोट रेखा फ्रांस में एक रक्षात्मक रेखा है, इसका निर्माण किया गया 1930 में। कब किया गया, 1930 में। तो हुआ क्या, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन हमले के खिलाफ रक्षा के लिए किलेबंदी की एक अत्यंत विकसित श्रृंखला थी। तो आपको पता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो हुआ था लगभग 1914 से चला था, ठीक है, 1919 के आसपास। तो इसी दौरान मेजिनोट लाइन फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक मेजिनोट लाइन फ्रांस ने तैयार करी फॉर सिक्योरिटी रीजंस, खुद की रक्षा के लिए, किसके खिलाफ, कि भाई जर्मनी अगर हमला करे तो वो, उन्होंने इस प्रकार से प्रिपरेशन करी युद्ध के लिए, ठीक है। तो उसी को नाम दे दिया मेजिनोट लाइन, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है। देखो क्वेश्चन को देखो, ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है। अगर आप इसमें वर्ड लोगे ना कैनियन, तो इसका मतलब सीधा सा होता है घाटी, ठीक है, और ग्रैंड का मतलब बड़ा, मैं मतलब नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये कि घाटी का नाम है ग्रैंड कैनियन। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी बोलिविया, ऑप्शन सी घाना, और ऑप्शन डी अमेरिका। ऑप्शन ए पे आते हैं, नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री है कनाडा, लेकिन ये गलत। सेकंड ऑप्शन बोलिविया, साउथ अमेरिका की एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। मैं थोड़ा थोड़ा आपको ऑप्शंस के बारे में बताता रहूंगा। बोलिविया साउथ अमेरिका की, साउथ अमेरिका कंटिनेंट है, महाद्वीप है, उसकी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड क्या होता है, जो चारों तरफ स्थल से अवरुद्ध होता है, स्थल होता है, महासागर से उसका सीधा कॉन्टेक्ट नहीं होता। इसके साथ ही एक और कंट्री, केवल दो कंट्री है यहाँ पे, एक पेरू। तो पेरू और बोलिविया साउथ अमेरिका की लैंडलॉक्ड कंट्री है, याद रखना। लेकिन ये भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, ग्रैंड कैनियन यहाँ नहीं है। थर्ड ऑप्शन पे अपन आते हैं, घाना साउथ अफ्रीका की एक कंट्री है घाना, ठीक है, ये ऑप्शन भी हालांकि इसमें सही नहीं है। ऑप्शन डी है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ग्रैंड कैनियन कहाँ प्रेजेंट है, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अब देखो यहाँ पे तो अपन ने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ले लिया,
हो सकता है एग्जाम में आपको ये मैच द फॉलोइंग में दे दे कि एक तरफ ग्रैंड कैनियन दे दे और दूसरी तरफ आपको दे दे अमेरिका, उस प्रकार का क्वेश्चन भी अपन थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, तो चलो इसका आंसर हो गया क्या, अमेरिका। ग्रैंड कैनियन कहां प्रेजेंट है, अमेरिका में। आगे चलते हैं। ग्रैंड कैनियन एक घाटी का उदाहरण है जो एक अपरदन जन्य भूभाग है। तो चलो आपको मैं बता दूं अपरदन जन्य भूभाग क्या होता है। जैसे कि कोई नदी है, अब नदी क्या करती है, नदी का एक कोर्स होता है, कोर्स मतलब जिस भाग पे वह बहती है। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक समय अंतराल के बाद, ऐसा नहीं कि दो दिन तीन दिन में, हजारों वर्ष या सैकड़ों वर्ष के बाद जैसे नदी का पानी इस दिशा में बह रहा है तो वो क्या करता है, दो तरफ अपरदन करता है, एक तो वर्टिकली मतलब गहराई में और एक हॉरिजॉन्टली। ठीक है, कि वो किसी भी घाटी को चौड़ा करेगा। तो ये जो अपरदन जन्य भूभाग है ये इसी के लिए यूज किया गया कि जब एक रिवर बहती रहती है तो उससे इसका निर्माण हुआ है। तो अपरदन क्या होता है, एक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी या चट्टान जैसी मिट्टी की सामग्री को हटा दिया जाता है, पानी के अपरदन के कारण वो बढ़ती है और घाटियां छोटी होती है, सक्रिय नदियों के रूप में शुरू होती है। नदी का से क्या मतलब है, क्या मतलब देख लेते हैं। नदी का धीरे धीरे लंबी और चौड़े अवनालिका में विकसित हो जाते हैं। इसका आशय एक छोटी सी धारा, लेकिन पर्टिकुलर स्ट्रीम होती है कोई भी नदी की, उसको नदी का बोल दिया। ठीक है, स्ट्रीम से मतलब क्या कह दिया यहाँ पे, नदी का। तो इस घाटी में एक नदी बहती है। ठीक है, चलो तो ग्रैंड कैनियन कहां प्रेजेंट है, यूएसए अमेरिका, जो कि नॉर्थ अमेरिका की एक कंट्री है। चलो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। तो पहले तो चलो अपन एक चीज समझ लेते हैं यहाँ पे कि जल संधि क्या होता है। देखो आपको दो वर्ड ज्योग्राफी में सुनने को मिलेंगे ऐसे सिमिलर, एक होता है जल संधि, ठीक है, एक होता है स्थल संधि। इसको कहते हैं स्ट्रेट, ये होती है स्थमस, इंग्लिश में ये स्ट्रेट और ये स्थमस। समझा देता हूं क्या होता है जल संधि से, यहां आशय है जब कोई दो बड़े पानी के भूभाग, देखो मान लो यहां पे भी पानी है, कोई महासागर है और ये इधर भी कोई महासागर है, ठीक है, दोनों ओशियन है बड़े बड़े, ओके। तो ये जो छोटी सी, देखो जो दो कनेक्ट कर रही है इन दो महासागरों को, पानी के बड़े भूभागों को, ये हो जाएगी आपकी जल संधि। क्या कह देंगे इसको, जल संधि। अब इसमें एक और बात कॉमन देख लो, देखो दो महासागरों को जोड़ तो रही है लेकिन दो स्थलों को ये अलग भी कर रही है, जो लैंड भूमि होती है, ठीक है, उसको अलग कर रही है। तो जल संधि क्या करती है, दो बड़े पानी के भूभागों को जोड़ती है या दो स्थल को अलग करती है। तो देखो इसने यहां क्या यूज किया है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, ठीक है। ऑप्शन ए बोस्पोरस, एक जल संधि है, ऑप्शन बी बेरिंग, ऑप्शन सी जिब्राल्टर और ऑप्शन डी डोवर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जिब्राल्टर। अगर आप मैप देखोगे अफ्रीका और यूरोप, लाइक वर्ल्ड का मैप देखना आप अच्छे से, उसमें आप जाना जो अफ्रीका का मोरक्को वाला पार्ट है, ठीक है, और यूरोप का स्पेन वाला पार्ट है, वहां पे आपको एक जल संधि देखने को मिलेगी, वो है आपकी जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी, जिब्राल्टर जल संधि। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको मैप भी दिखाया है, ये यहाँ पे है जिब्राल्टर जल संधि, ये वाला पार्ट, ये स्पेन है, ये मोरक्को है, एक अफ्रीका की कंट्री है, नदर मोस्ट कंट्री, ठीक है, ये आपका ये भूमध्य सागर है ही, ठीक है, और इधर है अटलांटिक। तो ऑप्शन है, मान लो आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले कि कौन सी जल संधि है जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, तो कौन सी है, आपकी जिब्राल्टर जल संधि। यह है अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और यूरोपीय महाद्वीप पर, स्पेन को अफ्रीकी महाद्वीप पर, जो मोरक्को का देश है उससे अलग कर दिए। तो ये तो हो गई भाई आपकी जल संधि की बात। अब आ जाते हैं जो मैंने एक और वर्ड बोला था, स्थल संधि। स्थल संधि या इसको कहते हैं स्थमस। ये क्या करता है, जैसे एक सेम वहां पे महासागर थे, अब यहां पे बड़े महाद्वीप है, तो कोई भी भूमि का बड़ा भाग है, मान लो ये है एक लैंड मास, और इसको किसी नैरो
पट्टी के द्वारा दूसरे बड़े लैंड या भूभाग से जोड़ती है। तो यहां पे ये लैंड है और यहां पे ये होगा आपका पानी, तो ये हो जाएगा आपका स्थल संधि। नाम से ही साफ है, स्थल संधि मतलब जो स्थलों को जोड़ती है, जल संधि मतलब जो बड़े जलाशयों को जोड़ती है या महासागरों को जोड़ती है। इसका एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, जैसे कि जो अपना नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है, तो आप उनके बीच में देखना है बिल्कुल आपको ऐसे वो पनामा वाली, पनामा जहां नहर है वहीं पे पनामा स्थमस भी है, पनामा जो कंट्री है वो एक स्थमस के आकार की है। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन हो गया, अपन चलते अपने अगले, मतलब इसी से रिलेटेड कुछ और आपको जल संधियां बता देता हूं आपको। एक आती है सुंडा जल संधि, ठीक है। सुंडा जल संधि क्या है? इंडोनेशिया का एक पार्ट है सेलाट सुंडा, ठीक है। वहां पे ये एक चैनल है जो जावा और सुमात्रा के द्वीपों के बीच स्थित है। तो आप एक बार इधर आओ, देखो इमेज पे देखो, ठीक है, इमेज पे देखोगे ना, तो ये है आपकी सुंडा जल संधि, ठीक है। तो कहां पे है ये? जावा, जो ईस्टर्न जावा और सुमात्रा है उसके बीच में स्थित है। देखो यहां पे सुमात्रा और ये आपका जावा वाला पार्ट, अगर आप देखोगे ना आपको आराम से एटलस में देखने को मिलेगी। किसकी बात करें अपन? सुंडा स्ट्रेट या सुंडा जल संधि की। कहां पे स्थित है ये? जावा पूर्व और सुमात्रा के द्वीपों के बीच स्थित है। यह जल संधि मध्य हिंद महासागर को, जो सेंट्रल इंडियन ओशियन है, उसको पूर्वी एशिया से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है। तो जो ओशनिक ट्रेड होता है वो काफी इस रूट के थ्रू होता है। चलो अगली देखते हैं, यह है एक ताइवान जल संधि। ताइवान जल संधि की अगर बात करें तो इसका एक और नाम है, वो है फार्मोसा जल संधि। किसका नाम है फार्मोसा जल संधि? ताइवान जल संधि का ही एक नाम है। यह एक 180 किलोमीटर चौड़ी जल संधि है। आगे अपन इमेज में अच्छे से देखेंगे इसको। ताइवान और महाद्वीपीय एशिया के द्वीप को अलग करती है। जो ताइवान कंट्री है और जो एशियन कंटिनेंट है उसके पार्ट को अलग करती है। आप एक बार चाहो तो एटलस साथ में खोल सकते हो। यह जल संधि वर्तमान में दक्षिणी चीन सागर का हिस्सा है और उत्तर में पूर्वी चीन सागर से जोड़ता है। चलो देख लेते हैं, इमेज देख लेते हैं अच्छे से, आपको डाउट नहीं रहेगा। देखो ये यहाँ पे है ताइवान स्ट्रेट, ये आपका मेनलैंड चाइना है, चाइना जिसको अपन चाइना के नाम से जानते हैं, जो देश है। और यहाँ पे आ गया आपको ये छोटा सा देश ताइवान, ये जूम्ड इमेज है तो आप ध्यान से देखना, ये आ गया ताइवान जल संधि, ठीक है, कोई डाउट नहीं यहां तक। चलो एक और जो इंपोर्टेंट जल संधि है वो और देख लेते अपन, सुशीमा जल संधि। कौन सी? सुशीमा जल संधि। यह कोरिया जल संधि का एक चैनल है जो कोरिया और जापान के बीच स्थित है। तो सुशीमा जल संधि कहां स्थित है? आपका जो कोरिया है, साउथ कोरिया और जापान उनके बीच में स्थित है। देखो इमेज में देखो, यहां पे सुशीमा स्ट्रेट, ये आपका जापान आ गया, ये आ गया आपका साउथ कोरिया, ठीक है। जो जापान के सागर सी ऑफ जापान को पीला सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ता है, जो येलो सी है उसको जापानी सी और ईस्टर्न सी से जोड़ता है। कौन जोड़ता है? सुशीमा जल संधि। ओके, ऐसे एक और इंपॉर्टेंट जल संधि मैं आपको बता देता हूं, जिसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग जल संधि। अगर उसकी बात करें तो आप, अगर आपके पास एटलस है तो मैप खोलिए, नॉर्थ अमेरिका का मैप खोलिए, तो जो रशिया वाला रीजन है इस तरफ और ये अलास्का वाला रीजन है, इनके बीच में आपको मिल जाएगी बेरिंग स्ट्रेट। ऊपर नॉर्थ अमेरिका के सबसे ऊपर की तरफ देखना तो ये यहां पे लोकेटेड है। ओके, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन, ये आपका आरएएस प्रीलिम्स 2021 में आया हुआ है। कब आया हुआ है? आरएएस प्रीलिम्स 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। सूची एक को, जिसमें एक स्थलाकृति या कोई लैंडफॉर्म दे रखा है उसको, सूची दो जिसमें महाद्वीप का नाम दे रखा है उससे आपको करना है मैच, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने काफी देखे होंगे एग्जाम्स में, मैं थोड़ी देर पहले कह भी रहा था आपको, मैच द फॉलोइंग में दे देगा, ठीक है। तो देखो पहला ऑप्शन है अकांगाबुआ, ओके, फिर है मैसेटा, ये मैसेटा एक प्लेट्यू, अकांगाबुआ एक माउंटेन है, सेरेंगेटी प्लेन्स, सेरेंगेटी के मैदान, सेरेंगेटी के मैदान और गिब्सन डेजर्ट। दूसरी साइड अपन को क्या दे रखा है? देखो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण अमेरिका। तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके एक बार प्रैक्टिस के लिए इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो अब आपको क्या होगा, आंसर कैसे चूज करना है। देखो यहाँ पे दे रखा है आपको कूट या कोड, उसमें आपको चार ऑप्शन दे दिए कि ए में 3 या बी में 2
या सी में 4 या डी में 1। ठीक उसी प्रकार ए में 2, बी में 4 या सी में 1 या डी में 3। तो आपको मैच करते हुए इसको सोल्व करना है। यहां पे कैसे सोल्व करना है मैं बता देता हूं। देखो, अगर आपको पता है कि गिब्सन डेजर्ट कहां पे है, ये है ऑस्ट्रेलिया में। कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में। तो एक चीज तो श्योर हो गई, मैं आपको थोड़ी ट्रिक भी बता रहा हूं कि डी में आएगा ऑस्ट्रेलिया। तो यहां ऑप्शंस में देखो कि किस किस ऑप्शन में डी है, तो यहां डी में एक है, तो यहां तीन में डी में एक है, तो ऑप्शन बी हट गया। ठीक है, अगला देखो, अकांगागुआ। ठीक है, माउंट अकांगागुआ है आपका दक्षिणी अमेरिका में। कहां पे है? दक्षिणी अमेरिका। तो एक में आएगा 4। अब देखो यहां पे दो में जो ए ऑप्शन है उसमें 4 है, कौन कौन से में? सी और डी में। तो अब ये पहला ऑप्शन भी हट गया आपका। ठीक है, ओके। अब आता है आपका बी ऑप्शन, जिसमें है मेसेता का पठार और आपका है एक सेरेंगेटी का मैदान। अगर आपको देखो कई बार तो क्या होता है, दो पता होते ही क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अब मान लो आपको यहां नहीं पता, ठीक है, तो यू हैव टू नो वन ऑफ दीज ऑल्सो, इन दो में से भी आपको एक पता होना चाहिए। तो चलो इसका आंसर देख लेते अपन, एक सेकेंड। ओके, इसका आंसर आपका आ जाएगा जो मेसेता का पठार है और जो सेरेंगेटी का मैदान। तो मेसेता का पठार आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बी में 2, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ए में आएगा 4, अकांगागुआ आपका साउथ अमेरिका। कहां पे है? साउथ अमेरिका। मेसेता का पठार अफ्रीका, सेरेंगेटी प्लेन्स यूरोप और गिब्सन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इस प्रकार के क्वेश्चन लगभग आपको हर साल मिलेंगे, आरएएस में बार बार मिलेंगे, जो विश्व के औद्योगिक रीजन से, जो इंडस्ट्रियल रीजन से, वहां से क्वेश्चन आता ही है। मैच द फॉलोइंग। तो देखो इसमें ऑप्शन दिया है कि डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है क्या, मतलब यहाँ पे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड काम होता है क्या, यह फेमस है क्या, वर्ल्ड फेमस। बोर्नाया शोरिया सूती वस्त्र, अनशन लोह व इस्पात और योकोहामा जलपोत निर्माण। तो इसने इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। कई बार क्या करते हैं अपन ऐसे क्वेश्चन में जल्दबाजी कर दें। यहां देखो इसने पूछा है सुमेलित नहीं है, अपन को देखना है इसमें गलत कौन सा है। ओके, तो चलो पहला देखते हैं, डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल बिल्कुल सही है। जो डेट्रॉइट शहर है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है वर्ल्ड। तीसरा ऑप्शन है अनशन लोह और इस्पात, सही है। चौथा है योकोहामा जलपोत निर्माण, ये भी सही है। तो जो ये बोर्नाया शोरिया है सूती वस्त्र, ये गलत है। ये एक रशियन रीजन है जो कि कोल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। किस लिए फेमस है? ये कोयले के लिए फेमस। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हालांकि गलत ही है, तो अपन को तो गलत ही तो ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो बात करते हैं चलो डेट्रॉइट की। डेट्रॉइट यूएसए में है और मिशिगन के मध्य पश्चिमी राज्य का एक सबसे बड़ा शहर है। मिशिगन एक स्टेट है, कहां पे? यूएसए में। ऑटोमोबाइल उद्योग के केंद्र के रूप में जाना जाता है और यहाँ पे जो बिग थ्री ऑटो निर्माता, जो जनरल मोटर्स है, फोर्ड है और स्टेलंटिस उत्तरी अमेरिका जो फेमस है, ये काफी किसके लिए? ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल से मतलब है कार वगैरह। किसके लिए फेमस है ये? कार वगैरह। फोर्ड की गाड़ी है, फोर्ड की गाड़ी है ना, आपको पता है। जनरल मोटर्स भी है और स्टेलंटिस भी है। ओके, अगला है आपका बोर्नाया शोरिया, जो कि वहां पर क्या दे रखा था? सूती वस्त्र, जो कि गलत था। ये किस लिए फेमस है देख लेते हैं। दक्षिणी साइबेरिया रूस में एक क्षेत्र है, रशियन टेरिटरी है, एक पहाड़ी क्षेत्र है, अयस्को में समृद्ध है और कुजनेत्सक कोयला बेसिन का भी हिस्सा है। तो अगर मान लो अब की बार ये वाला बेसिन पूछ ले कि कुजनेत्सक जो कोयल रीजन है वो कहां पे है, तो ध्यान रखना रशिया। इसी प्रकार एक और है रूर, ठीक है, रूर घाटी, जो कि जर्मनी में है। कहां पे है? जर्मनी में है, ये ध्यान रखना। ओके, अनशन की बात करें तो चाइना का एक सिटी है जो कि लो अयस्क, आयरन और कोयला, मैग्नेसाइट, तालक और जेड सहित खनिजों से समृद्ध है। तो तीसरा ऑप्शन अपन देखा था, सही मैच था। योकोहामा एक जापानीज शहर है जो कि ग्रेटर टोक्यो क्षेत्र का एक सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। इसका मजबूत आधार वो है शिपिंग, जैव प्रौद्योगिकी और अर्धचालक, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। क्या क्या? शिपिंग,
जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी और अर्धचालक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ये फेमस है। कौन? योकोहामा। कहां पे है? जापान। ओके चलो ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो थोड़ा, किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? तो अपन ने देखा कई बार क्या होता है, जैसे विश्व में अगर अपन कपड़े की बात करें जैसे मैनचेस्टर फेमस है, ठीक है, तो वैसे ही कुछ शहरों को कोई नाम दे दिया जाता है जिस चीज के लिए या हिस्टोरिकल वैल्यू होती है या फिर वहां पे वो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए फेमस होते हैं। तो यूरोप का कॉकपिट किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं अपन, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड, ये चार ऑप्शन आपके सामने है। तो चलो पहले तो अपन बात कर लेते हैं इन तीन देशों की, जो लग्जमबर्ग है, बेल्जियम है और नीदरलैंड है, इनको मिला के अपन कहते हैं बेनेलक्स कंट्रीज। क्या कहते हैं? बेनेलक्स कंट्रीज, बेनेलक्स देश। किस किस को? वापस देखो, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। क्यों कहते थे वो मैं बता देता हूं, लेकिन ये देख लो ये बना कैसे, बेनेलक्स कैसे बना, इनके जो नाम का पहला अक्षर है उसी से ये बना हुआ है, बे बेल्जियम, एन ई नीदरलैंड और एल यू एक्स लग्जमबर्ग। सही है, याद रहेगा, पूछ लेता है कहां पे है, यूरोप में है। क्यों फेमस है? एक्चुअली क्या है, देखो उनके आसपास जो महासागरीय क्षेत्र है, तो अपन अक्सर देखते हैं किसी स्थान की जो ऊंचाई देखते हैं वो अपन देखते हैं कि समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर यह क्षेत्र स्थित है। अब इन तीन देशों की खास बात यह है कि एक तो इनका जो नियर बाई एरिया है समुद्र के आसपास का, और उससे थोड़ा दूर भी जाओगे तो उनकी ऊंचाई या तो समुद्र तल से, जैसे मान लो ये समुद्र तल है, ठीक है, देखना ध्यान से, ये आपका समुद्र तल है, ठीक है, इससे ये आगे नीचे, तो या तो समुद्र तल से नीचे है या फिर थोड़ा सा ये अधिक है, ज्यादा अधिक नहीं है। किसमें? बेनेलक्स कंट्रीज में। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो ये तो पानी इधर आ जाना चाहिए ना, वैसे नहीं, ये क्या करते हैं यहाँ पे एक आर्टिफिशियल वॉल बना देते हैं या फिर फिलिंग कर देते हैं, ठीक है। तो इस भूमि को यूज करने के लिए ये जो आर्टिफिशियल वॉल तैयार की गई है, या फिर समुद्र के, जैसे आपने देखा होगा अगर अपन बात करें सऊदी अरेबिया की, तो वहां पे अक्सर आपने देखा होगा आर्टिफिशियल आइलैंड्स हैं। उन्होंने क्या किया, जो समुद्र था वहां पे मिट्टी खाली, मिट्टी से भर के उसको यूज करने योग्य बना दिए, वहां पे कृत्रिम आइलैंड बना दिए, कृत्रिम द्वीप बना दिए। तो ऐसे ही इन तीन कंट्रीज ने कर रखा है, ठीक है। तो वो जो आर्टिफिशियल वॉल बनाई गई, वो जो आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए गए, उसको अपन कह देते हैं पोल्डर लैंड। क्या कहते हैं? पोल्डर लैंड। तो चलो ये आप याद रखना जरूर, कैसे ना कैसे मान लो पूछ ले या वैसे पता होना चाहिए आपको। बेसिकली क्वेश्चन पे आते हैं वापस, बात कर रहे थे अपन यूरोप का कॉकपिट की, चार ऑप्शन थे स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम या नीदरलैंड। इसका सही उत्तर देख लेते हैं, सही उत्तर इसका बेल्जियम। बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है, ठीक है, यह है किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक यूरोपीय लड़ाइयों का स्थल रहा है। इसको क्यों कहा जाता है कॉकपिट, यूरोप का कॉकपिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो यूरोपियन हिस्टोरिकल टाइम में जितनी यूरोपियन लड़ाइयां हुई, जितने वॉरफेयर हुए, वो लगभग कहाँ पे हुए, सारे ही नहीं लेकिन मैक्सिमम कहाँ पे हुए, बेल्जियम में। तो इसलिए इसको क्या कह दिया, यूरोप का कॉकपिट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओडेनार्डे की लड़ाई, रामिलीज, लिग्नी, क्वाट्रेवा और वाटरलू की लड़ाई, ये सारी कहाँ हुई, बेल्जियम में हुई। बेल्जियम में जो वाटरलू नेपोलियन बोनापार्ट की आखिरी लड़ाई थी, वो भी इसी क्षेत्र में हुई थी। किसी भी अन्य देश की तुलना में कई यूरोपीय लड़ाइयों का युद्ध क्षेत्र रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, यूरोप का कॉकपिट। उसके अलावा बेल्जियम को केक की भूमि, लैंड ऑफ केक भी कहा जाता है। किसको? सॉरी बेल्जियम को नहीं, माई पार्डन, स्कॉटलैंड को। किसको? बेल्जियम को। तो क्या कहते हैं, यूरोप का कॉकपिट। स्कॉटलैंड को कह देते हैं केक की भूमि, लैंड ऑफ केक। ऐसे ही फिनलैंड, एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूं मैं, फिनलैंड को कहते हैं लैंड ऑफ लेक्स, थाउजेंड लेक्स। यहाँ पे बहुत सारी जो है झीले हैं, तो फिनलैंड को अपन कहते हैं लैंड ऑफ लेक्स या थाउजेंड लेक्स। ऑक्सफोर्ड एक सिटी है, उसको कहते हैं सपनों का शहर। क्या कहते हैं? सपनों का शहर। चलो ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सॉरी
2021 में पूछा हुआ है। ध्यान दीजिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फिर से क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्या पूछा है कि सही सुमेलित नहीं है, मतलब आपको गलत ढूंढना है। ओके, यहां पे लेक दे रखी है आपको झील, यहां पे आपको दे रखा है देश कंट्री। पहला देखते हैं बालखश या बालकाश, ऑप्शन दे रखा है आपको कजाकिस्तान। अगला है टिटिकाका, ऑप्शन दे रखा है आपको बोलिविया और पेरू। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जो बोलिविया और पेरू है साउथ अमेरिका की लैंडलॉक्ड कंट्रीज है, ओनली टू कंट्रीज वहां पे लैंडलॉक्ड है, कौन कौन सी, बोलिविया और पेरू। लेक ईरी यूएसए और कनाडा, ऑप्शन दे रखा है। लेक बेकार यूक्रेन। तो आपको क्या ढूंढना था, सम्मिलित जो सही सुमेलित नहीं है। तो यहां पे आप देखोगे ना, देखो बालकश कजाकिस्तान सही है, ये बालकश एक लेक है जो कि कहां पे स्थित है, कजाकिस्तान में, एशियन कंट्री है। लेक टिटिकाका ये मैच हो रखा है बोलिविया और पेरू से, एकदम सही है, ये इनके बीच में स्थित एक काफी ऊंचाई पे स्थित एक लेक है टिटिकाका। अपन देखते हैं ईरी, यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है, बिल्कुल सही है। आपने सुना होगा पांच महान जिले, फाइव ग्रेट लेक्स, ठीक है, कौन सी पांच महान झीले जिनमें विश्व की सबसे बड़ी झील जिसका नाम है सुपीरियर, क्या नाम है, सुपीरियर, वो भी इन पांच महान झीलों में से एक है, ठीक है। तो ये कहां स्थित है, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे, कौन सी पांच महान झीले। अगला देखो जिनमें से ईरी एक है, आगे दो बेकार, ये कहां पे मैच किसी और का, यूक्रेन, बिल्कुल गलत, ठीक है। लेक बेकार रशिया में है, कहां पे है, रूस में, मैच क्या कर रखा है, यूक्रेन, तो ये क्या हो गया, गलत। तो यहां पे आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके चलो, अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, लास्ट ईयर में पूछा हुआ है, इसमें नहीं, जो आपका 2018 का प्रीलिम्स हुआ था, कब हुआ था, 2018 का प्रीलिम्स, उसका क्वेश्चन है सेम, मैंने बताया था मैच द फॉलोइंग वाले, काफी क्वेश्चन आरपीएससी के फेवरेट है, वो काफी क्वेश्चन ऐसे पूछता है। तो फिर से एक और क्वेश्चन आपके सामने है, आपको एक सूची दे रखी है जिसमें नहरें दे रखी है, क्या दे रखी है, स्ट्रीम्स, नहरें। दूसरी तरफ आपको दे रखा है किससे मिला, किसको मिला रही है आपस में। तो पहला जैसे ऑप्शन आपका कील, ये कील लिखा हुआ है लेकिन इसको कील कर लीजिएगा, ठीक है, कील नहर। दूसरा ऑप्शन आपका सू, फिर पनामा और स्वेज, और ऑप्शन क्या दे रखा है वो भी देख लेते हैं। कील नहर के लिए दे रखा है भूमध्य सागर और लाल समुद्र। अब आपको मैच करना है कि कील नहर किस किस को जोड़ती है, ठीक है। तो अगर आप कील नहर की बात करें ना, तो कील नहर जोड़ती है जो एल्ब मुहाना है उसको और बाल्टिक सी को, बाल्टिक समुद्र को, कौन जोड़ती है, कील नहर, ठीक है। तो यहां पे एम क्या हो जाएगा आपका, दो। अब यहाँ ऑप्शंस में देखो किस किस में दो है, तो पहली बात, यहाँ पहले ही ऑप्शन में केवल ए में दो है, तो देखो यहाँ पे किसी में भी और में दो नहीं है। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन आपके फेवर में है तो मैं बात कर रहा हूँ, हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो जैसे आपको केवल ये पता है कि एक में दो आएगा ए में, और यहाँ पे केवल एक ऑप्शन में दे रखा है, तो आपको ये तो पता चल गया कि उत्तर ये ए है। ओके, तो चलो आगे और देख लेते हैं। अगला है सू, तो सू नहर की अगर अपन बात करें तो यह है लेक सुपीरियर और एक लेक हुरोन, कौन सी, लेक सुपीरियर और लेक हुरोन को कनेक्ट करती है, कौन सी, सू नहर। फिर कहते हैं पनामा की बात, बहुत फेमस है पनामा नहर, पता है आपको, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कनेक्ट करती है, तो सी में आ गया तीन, ठीक है। फिर इसके बाद आती है, अभी मैंने आपको पनामा इस्थमस की भी बात बताई थी, ये जो पनामा नहर है बाद में आर्टिफिशियली तैयार की गई है। ओके, फिर आती है स्वेज नहर, अगेन फिर से एक आर्टिफिशियल जो नहर है वो है ये लेक, सॉरी ये नहीं, इसमें आ जाएगा आपका भूमध्य सागर और लाल सागर, तो डी में आ जाएगा एक, रेड सी और मेडिटेरियन सी को ये कनेक्ट करती है, तो देखो डी में वन, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ओके चलो, थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी, क्वेश्चन आ भी गया, देखो ये भी आपका 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कब पूछा हुआ है, 2018 में, औद्योगिक क्षेत्र दे रखा है,
देश दे रखा है। अभी तक अपन ने इतने 3-4 क्वेश्चन ऐसे देख लिए होंगे कम से कम, तो आपको अच्छे से बताया जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो इस प्रकार जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो तो याद करने ही करने हैं। चलो आ जाओ रूर में। तो रूर का मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये जर्मनी में है, और इसने पूछा है जो सही सुमेलित नहीं है। ओके अगला देखो इंटरेस्टिंग, दक्षिणी न्यू इंग्लैंड वो उसका इसने दे रखा है यूनाइटेड किंगडम। अगला है पो वैली इटली, बिल्कुल सही है, पहला भी बिल्कुल सही है। फिर है कांतो मैदान, ये है जापान में, ये भी बिल्कुल सही है। तो देखो यहाँ पे आप उसने आरपीएस ने क्या किया, आपको कंफ्यूज करने के लिए आरपीएस ने क्या किया कि दक्षिणी न्यू इंग्लैंड ये क्या है, एक यूएसए की टेरिटरी है। कहाँ की है? यूएसए की टेरिटरी। इसने क्या किया, यूनाइटेड किंगडम जिसको अपन इंग्लैंड भी इसी का पार्ट है, तो कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। लेकिन ये सही उत्तर क्या है इसका, दक्षिणी न्यू इंग्लैंड एक यूएसए की टेरिटरी है। तो ऑप्शन दो इसका सही जाएगा, क्योंकि इसे पूछा क्या है कि सही मिलान नहीं है। ठीक है, तो रूर जर्मनी का एक हिस्सा है, पोइले के लिए फेमस है, बिल्कुल सही है। पो वैली इटली में है, कांतो मैदान जापान में है। ठीक है, तो यहां सही उत्तर जाएगा दक्षिणी न्यू इंग्लैंड। तो देखो जो दक्षिणी न्यू इंग्लैंड है एक औद्योगिक क्षेत्र है, कहाँ कहाँ, अभी जस्ट मैंने बताया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। यह है सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, मत्स्य पालन, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक के लिए फेमस है। तो ये तो बात हो गई आपकी न्यू इंग्लैंड की। अब आ जाओ रूर, जर्मनी का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, राइन नदी के उत्तर में स्थित है। बिल्कुल ध्यान रखना, हो सकता है आपको देश ना देखे वो नदी दे दे। जो ड्यूइसबर्ग से हार्टमंड तक फैला हुआ है, यह लो इस्पात और कोयला उत्पादक क्षेत्र भी है। किसकी बात करी, रूर की। कहां पे है, जर्मनी। आ गया हो कांतो मैदान, जापान का एक इंडस्ट्रियल रीजन है जो कि होनशू के एक क्षेत्र है, वहां रीजन है कांतो रीजन, वहां पे लोकेटेड है। इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके साथ ही वायुयान, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। कांतो जो प्लेन्स है, कांतो मैदान है, वो वायुयान के लिए फेमस है। मोटर वाहन उद्योग, ऑटोमोबाइल, इसके लिए फेमस है। फिर आती है पो नदी घाटी जो कि इटली में है। ठीक है, सही है, चार ऑप्शन देख लिए अपन ने। चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। फिर से अगेन 2018 का क्वेश्चन है, या आई थिंक ये 2016 का है, लेकिन है अपने आरएस प्री का ही पूछा हुआ, 2016 का ही शायद, है ना। तो इसने क्या किया, माउंटेन पीक्स दे दी, पर्वत शिखर दे दिए, जैसे अपने गुरु शिखर का है माउंट आबू में, तो सेम इसी प्रकार इसने क्या किया, माउंटेन पीक्स दे दी। उसके बाद इसने दिया कि भाई कौन से देश में स्थित है, बता दो, मैच द फॉलोइंग अगेन। तो चलो देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है और क्या दे रखा अपन को। पहला है माउंटेन पीक है अलब्रुस, सेकंड है किलिमंजारो, थर्ड है माउंट कुक, और फिर है मेकिल्ले। तो देखो यहाँ पे अगर मान लो आपको सारे ऑप्शन नहीं भी आते तो माउंट किलिमंजारो बहुत फेमस है जो कि तंजानिया में। ठीक है, मान लो आपको सारे याद नहीं आते हैं तो फिर से वही बात, मैच देखो लोगे तो मान लो बी में आया तीन। ठीक है, तो बी में तीन देखो कहाँ है, लो लग गई लॉटरी। केवल एक ऑप्शन, ऑप्शन दो में बी में तीन से मैच हो रखा है, तो आपका क्वेश्चन हो गया सही। ठीक है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए अपन देख लेते हैं। अल्ब्रुस जो है माउंटेन पीक वो रशिया में है, तो ए में आ जाएगा आपका ऑप्शन फोर। ठीक है, बी में तीन हो गया तंजानिया, ठीक है किलिमंजारो तंजानिया में, फिर माउंट कुक ये एक न्यूजीलैंड में माउंटेन पीक है। ओके, और फिर है मैकिल्ले जो कि यूएसए की, इवन नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका, वहां पे जो रॉकीज पर्वत श्रृंखला है। कौन सी रॉकीज, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में, और दुनिया के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जिसको अपन एंडीज के नाम से जानते हैं वो साउथ अमेरिका में है। कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। चले अगले क्वेश्चन पे। देखो मैटर ये नहीं करता कि इन क्वेश्चन से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है या नहीं, आपको हेल्प कैसे मिलेगी जब आप इन क्वेश्चंस को देखोगे तो एटलीस्ट आपको आइडिया लगेगा जब जिस पार्ट, जो सिलेबस का पार्ट आप पढ़ रहे हो उसमें से आरपीएससी क्वेश्चन कैसे फॉर्म करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, तो इस बात का आप ध्यान रखना पढ़ते टाइम। देखो फिर से 2016 का क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है, ये ऐसा नहीं कि गेस पेपर है, नहीं, ये पूछा हुआ पेपर है, और आप खुद देख सकते हो कितनी बार ऐसे टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं।
फिर से इंडस्ट्रियल रीजन दे दिया, फिर से जो कंट्रीज है उनकी लिस्ट दे दी, फिर से मैच करो। तो चलो देखते हैं, लंकशायर प्रदेश, रूर प्रदेश, लगभग हर साल कैसे ना कैसे आरपीएससी रूर तो पूछ ही लेती है, जो कि जर्मनी में है, केहिन प्रदेश और दक्षिणी अपलेशियन प्रदेश। ठीक है, देख लेते हैं। देखो रूर को आपको मैंने अभी कितनी बार बता दिया कहां पे है, जर्मनी, तो बी में आ गया आपका दो। तो कितने ऑप्शन में दो है बी में, इसमें भी बी में दो है, इसमें भी दो है और यहां पे भी दो है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन हो गया आपका गलत, पहले तो यहां आ जाओ। ठीक है, उसके बाद आप बात करो दक्षिणी अपलेशियन प्रदेश, ऊपर लंकशायर प्रदेश। लंकशायर एक जगह भी है यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ए में है तीन, अब ढूंढो ए में तीन कितने में है। तो देखो डी ऑप्शन तो अपना हट चुका है, यहां पे ए में तीन, यहां पे ए में तीन, तो ऑप्शन वन भी आपका गया। ओके, अब बच गया आपका ऑप्शन बी और सी। कौन कौन से बच गया, बी और सी। अब आपको एक चीज और इनमें से पता होनी चाहिए, तो लंकशायर मैच हो गया यूनाइटेड किंगडम से, रूर मैच हो गया जर्मनी से, अब बात करते हैं दक्षिणी अपलेशियन प्रदेश जो कि यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो ईस्टर्न कोस्ट है उस तरफ एक माउंटेन रेंज है, ईस्टर्न कोस्ट पे है। आप अगर मैं फिर से मैं कहता हूँ, आप लेके बैठो ना वर्ल्ड एटलस लेके बैठो, ईजी रहेगा आपके लिए, याद करने में आसानी होगी। तो डी में आपका आ गया ए, मतलब वन, तो लो हो गया सॉल्व, डी में वन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बच गया आपका केहिन जो कि जापान में है, कहां पे है, जापान में। तो एक बार मैं इनको सही से मैच कर देता हूं, देख लो, लंकशायर यूनाइटेड किंगडम, रूर जर्मनी, केहिन प्रदेश जापान और दक्षिणी अपलेशियन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी आप इंडस्ट्रियल रीजन पढ़ो प्लीज याद रखना कि वो कौन सी कंट्री में और किस चीज के लिए फेमस है। फिर से देखो, ये सही मैच कर रखा है, लंकशायर यूनाइटेड किंगडम, रूर, ठीक है ये रूर है, कहर, कहर भी एक जर्मनी में है, रूर भी जर्मनी में है, फिर आपका केहिन जापान और दक्षिणी अपलेशियन संयुक्त राज्य अमेरिका। ये हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व। माउंटेन पीक्स वाला अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अपन एक क्वेश्चन देखा था, फिर से क्वेश्चन है, दो तो अभी अपन ने देखे थे, 2016 में पूछा हुआ है, कब पूछा हुआ है, 2016 में, वो 2018 में था। तो अब आप खुद देख लो, एक तो इंडस्ट्रियल रीजन और माउंटेन पीक आरपीएससी का फेवरेट है, मतलब एक क्वेश्चन तो निकाल के दे ही देगा आपको। ठीक है, और एक को हल्के में मत लेना, कई बार बहुत कम मार्क्स से आपकी प्री रह जाती है, आपको लगभग डेढ़ नंबर देके जाएगा और गलत हो गया तो आपका लगभग एक नंबर ले जाएगा, एक से थोड़ा कम लेकिन एक। चलो माउंटेन पीक्स दे रखी है, महाद्वीप दे रखा है, इस बार थोड़ा काम आपका आसान है, देश नहीं पता महाद्वीप पता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, पहला ऑप्शन है कोसिस्को, सेकंड है मैकिनले, अलब्रुस और किलिमंजारो। थोड़ी देर पहले अपन ने देखा है तो आप कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो खुद सोल्व करो। ओके, अपन आगे चलते हैं। मैकिनले अपन ने देखा था उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये आ गया उत्तरी अमेरिका। बी में देखो चार, तो देखो यहां पे दो ऑप्शन में बी में चार दे रखा है, बी और डी में, ए और सी हट गया। ओके, किलिमंजारो मैंने बताया था बहुत फेमस है, तंजानिया में है, तंजानिया कहां है, अफ्रीका में, तो इसमें आ गया अफ्रीका। डी में आ गया दो, देखो यहां डी में दो कहां पे, केवल इस ऑप्शन में, तो सही ऑप्शन हो गया आपका बी। देखो मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करना भी सिखा रहा हूँ, ये आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, हालांकि इस बार यूपीएससी में ऐसा नहीं हुआ, पहले यूपीएससी में भी ऐसा होता था। चलो, तो मैकिनले हो गया उत्तरी अमेरिका, किलिमंजारो हो गया अफ्रीका, आपका जो अल्ब्रुस है, ठीक है अल्ब्रुस है आपका रशिया में, बताया था मैंने, तो रशिया का जो यूरोपियन पार्ट है वहां पे है। ठीक है, तो ये यूरोप आ गया, और कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक माउंटेन पीक है, तो ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, ठीक है, ये देखो सही मैच कर रखा मैंने, कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया माउंटेन पीक है, मैकिनले नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, अल्ब्रुस यूरोप की और किलिमंजारो अफ्रीका की। तो आपको ये याद भी कर लेना, मैं तो कहता हूँ क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, और मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आता है ना, तो कई बार क्या होता है ये वाला नॉलेज आपको और क्वेश्चन और हिसाब से आपको सोल्व करने में आसानी हो जाती है, नॉलेज कभी खराब नहीं होता, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से वो काम में आएगा ही।
थोड़ी देर पहले अपन ने देखी थी जल संधि, अपन ने देखी थी कौन सी, जिब्राल्टर जल संधि, 2021 में पूछा था, ये 2016 में पूछा हुआ है। लो बताओ कहाँ चेंज हुआ, कितनी बार रिपीट हो गई चीजें। तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया, जल संधि दे दी और किसको कनेक्ट कर रही है वो दे दिया सामने। आपको क्या करना है, इनको मैच करना है। पहली दे दी जिब्राल्टर, सेकंड मलक्का, फिर बेरिंग की भी अपन ने बात करी थी और फिर हॉर्मुज। बात करते हैं अपन जिब्राल्टर की, जिब्राल्टर की अपने बात करी थी किस किस को अलग करता है, ये अफ्रीका और यूरोप। अफ्रीका का जो मोरक्को कंट्री है उसको, और यूरोप का आप देखोगे तो जो नीचे छोटा सा स्पेन वाला हिस्सा है, यहाँ पे ऐसे ये स्पेन और इधर मोरक्को आ जाएगा, यहाँ पे आपका भूमध्य सागर, ठीक है, यहाँ आपका अटलांटिक सागर, यह है आपकी जिब्राल्टर संधि। कौन सी है, जिब्राल्टर, ये यूरोप और ये अफ्रीका, ठीक है। तो मैं वर्ल्ड एटलस सात रोगों में फिर से कहूंगा, तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन तीन। तो ए में तीन देखो कहाँ कहाँ है, देखो ऑप्शन ए में तीन है, यहाँ पे नहीं है, ये ऑप्शन हट गया। ऑप्शन बी में ए में तीन है, डी में नहीं है, ये ऑप्शन आपका हट गया। ओके, दो ऑप्शन हट गए, आसान हो गया थोड़ा। अब आ जाओ बेरिंग जल संधि, थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी कहाँ पे है, ये है रशिया और अलास्का वाले रीजन को अलग करता है। रशिया किसका पार्ट है, थोड़ा सा यूरोप का है, थोड़ा एशिया का है, आधा आधा है। तो एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य है, कहां पे है, एशिया और उत्तरी अमेरिका। तो ये हो गया सी में फोर्थ ऑप्शन। अब देखो सी में फोर्थ कहां है, अपन ने शॉर्ट कौन से किए थे, एक तो या तो ए ऑप्शन आता या आता आपका बी, अब सी में अपने आ रहा है कौन सा, फोर। तो सी में फोर देखो केवल यहां है, तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी। मैं ये नहीं कह रहा आधा याद करना, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अगर आपको कम याद है तो उससे क्वेश्चन सोल्व कैसे किया जा सकता है। तो चलो फिर मलक्का की बात करें तो फेमस है, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। और हॉर्मुज की बात करें तो ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में है, जो गल्फ ऑफ पर्शिया है उसके और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका, फिर से रिपीट कर देता हूं, जिब्राल्टर अफ्रीका और एशिया को, सॉरी जिब्राल्टर अफ्रीका और यूरोप के मध्य है, कहां पे है, अफ्रीका और यूरोप के मध्य। बेरिंग एशिया और उत्तरी अमेरिका, मलक्का इंडोनेशिया और मलेशिया, और होर्मुज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। ओके चलो, ये आप लोगों को सही मैच करके दे दिया मैंने, जिब्राल्टर अफ्रीका और यूरोप, मलक्का इंडोनेशिया और मलेशिया, बेरिंग एशिया और उत्तरी अमेरिका, और होर्मुज फारस और ओमान की खाड़ी। याद होना हो जाना चाहिए, तीन तीन बार मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, जरूर याद हो जाना चाहिए, ठीक है। और मार्क कर लेना अपनी एटलस में ये सारी चीजों को, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रांस का लोरेन प्रदेश प्रसिद्ध है, 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कब पूछा हुआ है, आरएस जो प्रीलिम्स की 2016 की एग्जाम थी उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया आपको कि फ्रांस का लोरेन जो रीजन है वो किस लिए फेमस है। तो इसमें ऑप्शन है दे रखा आपको, लो है वह इस्पात के लिए, ऑप्शन बी दे रखा आपको सूती वस्त्र के लिए, ऑप्शन सी दे रखा है कागज के लिए, और ऑप्शन डी देखा है रसायन के लिए। तो जब भी आप इंडस्ट्रियल रीजन पढ़ो तो फिर से रिपीट करता हूँ, ये जरूर याद रखना कि वो किस चीज के लिए फेमस है। तो ये जो फ्रांस का लोरेन प्रदेश है ये लोह और इस्पात आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो चलो ये तो हो गई आपकी ज्योग्राफी की आज की सीरीज, इसी श्रेणी में अपन कल मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। आप चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस सीरीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल पाए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आपको आरएएस की प्रॉपर प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो पहल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म दोनों पे वो अवेलेबल है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं। कोई भी आपको दिक्कत आए कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास है, यूट्यूब वीडियो पे आप कमेंट छोड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपको आरएएस प्री की भाई किसी को ऐसा हो कि हमको तो क्लासेस लेनी है प्रॉपर प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव, तो पूरा कोर्स पहल एकेडमी के ऐप पे अवेलेबल है, आप वो भी एक नॉमिनल फीस देके उसको मतलब पढ़ सकते हो। तो थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।